हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बचे हुए मतलब सब्जी से एक बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सा नाश्ता। तो ये है मेरी बची हुई सब्जी। वीडियो बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एंड वेलकम टू माई चैनल अनगुना रसोई ब्लॉग, में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है मेरी रात की बची हुई सब्जी, आलू मटर की सब्जी, और ये है बूंदी का रायता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो कि रायता है उस पर काम करेंगे। तो आज हम इसी से एक डिश बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसकी जो बूंदी है वो हम सबसे पहले निकाल कर अलग रख लेंगे। इसमें से हम जो बूंदी है वो थोड़ी निकाल लेंगे और थोड़ी बहुत इसमें हम पड़ी रहने देंगे। तो जो एक्स्ट्रा बूंदी है पहले हम उसको निकाल लेते हैं इसमें। और देखिए, इसमें इतनी बूंदी मैंने पड़ी रहने दी है और बाकी की जितनी भी थी वो निकाल ली है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 छोटे चम्मच सूजी। सूजी आप कोई सी भी ले लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने सूजी डाल ली है और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें, देखिए कुछ इस तरीके की गाढ़ी है, तो अभी आपको इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। ये थिक है, आप इसे थिक बना रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए हमारी ये सब्जी है, तो सब्जी के पहले आलू वगैरह जो भी हम एकदम से मैश कर लेंगे अच्छे से। आप मैशर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा सब्जी है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए, आपकी जितनी सब्जी है। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कितना चाहिए उतना चाहिए, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी पूरी स्मूथ सी हो गई थी और मैंने बस अब उस सब्जी को मैं इसमें जो हमने ये बनाया था पेस्ट उसमें मैं ऐड कर रही हूँ। जो सूजी और मैठा का बनाया था हमने उसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको भी मिक्स कर दूँगी। और देखिए, अभी भी हमें इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि ये इसी से ही एकदम से ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स डाले हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर और शिमला मिर्च लिया है और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी ग्रेट की हुई गाजर। मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैंने प्याज नहीं डाला है। तो बस इस तरीके से, और मैंने गाजर का जो पानी है वो मतलब निचोड़ा नहीं था वही डाल दिया, क्योंकि उसी का फ्लेवर इसमें भी आ जाएगा और ये अपना पानी भी छोड़ देगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें अमचूर पाउडर, क्योंकि हमारा मठा है तो हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। और हमने मसाले थोड़े थोड़े इसलिए डाले हैं क्योंकि हमारी सब्जी है, तो सब्जी में ऑलरेडी पहले से मसाले थे। तो चलिए इनको फटाफट से हम मिक्स कर देते हैं और इसको 15 मिनट के लिए हमने रेस्ट के लिए रख देंगे। और देखिए 15 मिनट के बाद जब मैंने उठाया तो ये हल्का सा ग्रीस हो चुका था। अब मैंने इसमें डाल दिया है इनो और बस इसको भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने अपना गैस पर अप्पे पैन चढ़ा कर रख दिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल की क्वांटिटी देख सकते हैं, बिल्कुल 3-3, 4-4 ग्लास डालिए। और बस एक एक चम्मच भर के जो बैटर है उसको मैं इस तरीके से रखती जा रही हूँ। तो बस आपको जितने भी खाने हैं, आपके आपका 12 का है या 16 का है, जितने भी आपके अगर एक बार में आते हैं आप उसमें इस तरीके से फिल कर दीजिए। और बिल्कुल भी बीच में, जब तक कि ये नीचे से बिल्कुल अच्छे तरीके से सिक ना जाए तब तक आप इनको टच ना करें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बनते हैं कि हमने सब्जी के बनाए हैं इसलिए। और धीरे धीरे जब आप एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो आप पलट दीजिए और फिर 2-3 बार इसी तरीके से अलट पलट करते हुए सेकेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और करारे से बनकर तैयार हो जाएंगे। अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेंगे और ऊपर से आपके एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो देखिए मेरे यहाँ पर अभी कुछ जो साइड वाले हैं वो हल्के से अभी वैसे ही हैं और जो बीच के थे वो सिक गए थे। और देखिए फिर मैंने थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के और उनको आगे पीछे करके इस तरीके से सेका, वो बनकर तैयार हो गए। तो देखिए ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। और ये चटनी मैंने वो बची हुई बूंदी थी उसी से बनाई है, उसकी चटनी की रेसिपी मैं फिर कभी डालूंगी। तो गाइज ये मैंने रेसिपी बनाई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और भी ऐसी लेफ़्ट ओवर चीज़ों का रीयूज़ और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने इससे पहले बची हुई दाल का क्या रीयूज़ कर सकते हैं, क्या डिश बना सकते हैं, उसका वीडियो डाला था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो फिर से मैं ऐसा कुछ लेके आई हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।